संतप्त मान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचन सार परमागम की 85वीं गाथा चल रही है, जिसमें चर्चा का विषय करुणा भाव मोह का चिन्ह है, इस पर चल रही है चर्चा। तीन तीन मोह के चिन्ह तीन बताए हैं, एक तत्व की अयथार्थ प्रतिपत्ति, दूसरा करुणा भाव और तीसरा पंच इंद्रिय के विषयों के प्रति अति आसक्ति। तो इनमें शुरू के दो तत्वों की अयथार्थ प्रतिपत्ति और करुणा भाव, ये दो तो दर्शन मोह के चिन्ह बताए, और पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति राग और द्वेष, इष्ट विषयों के प्रति राग और अनिष्ट विषयों के प्रति द्वेष, इसे चारित्र मोह का चिन्ह बताया। और ये बंटवारा बहुत स्पष्ट रूप से इसमें किया है, ऐसा नहीं कि अपन ने कर लिया है और ऐसा तीनों चीजें और दोनों मोह के बने, स्पष्ट बंटवारा इसमें है। मैंने बहुत गहराई से स्टडी की है इसकी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोई ज्यादा ही खींच रहा हूँ, क्या करें उनकी बुद्धि को, वो मैं इसका बहुत गहरा अध्ययन करता हूँ और जो नए नए बातें मेरे ख्याल में आती हैं वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी एक नई बात है कि जयसेनाचार्य ने निश्चय व्यवहार लगाकर दोनों अर्थ कर दिए, एक में निश्चय लगा दिया एक में व्यवहार। करुणा भाव ये निश्चय से दर्शन मोह का चिन्ह है, माने मिथ्यात्व का चिन्ह है, और करुणा का अभाव व्यवहार में से मोह का चिन्ह है। माने करुणा का अभाव का अर्थ क्या करते हैं जगत वाले जीव, कि करुणा नहीं होना, माने कोई दुखी जीव दिख रहा है और उस पर वो मानते हैं कि हमें करुणा होनी चाहिए, पर कोई करुणा ही करुणा नहीं होनी चाहिए, कुछ हमारा करुणा का प्रतिफल भी दिखना चाहिए, माने हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। क्या कोई बातों ही बातों में करुणा की बात हम नहीं करें, कुछ हम पैसा देकर सेवा करके, यानी हमको करुणा करने का स्वरूप हमारे में से दिखाई देना चाहिए, तब तो वो सही है ऐसा मानते हैं। तो वो कहते हैं वो करुणा भाव होना वो व्यवहार में से सम्मान दृष्टि का बताए है ना, चार लक्षण बताए, अस्तित्व अनुकंपा, एक प्रसम संवेग, अस्तित्व और अनुकंपा, तो उसमें एक अनुकंपा भी है ना। तो कई वो जयसेनाचारी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए कुछ लोग बड़े बड़े आचार्य जिसमें शामिल हैं वो ये कहते हैं कुंद अमृतचंदाचार्य से जयसेनाचार्य बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनने सब बैलेंस से काम किया है ना। और यहाँ तक की गए लोग अमृतचंदाचार्य तो काष्ठा संघी हैं, ऐसे कह कर उनकी महिमा को कम करने की कोशिश की। अब एक देखो यहाँ क्या बहुत मार्मिक बात है, वो कहते हाँ चलो दोनों ही कर लो, करुणा भाव मोह का चिन्ह है और करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है। तो वो कहते ठीक है, करुणा का अभाव हो गया तो करुणा का अभाव किसे होगा, अनंत भगवान के, उसके पहले तो करुणा भाव रहता ही है ना, वहां करुणा भाव का अभाव थोड़ी बता रहे, करुणा भाव को धर्म मानना और मैं दूसरे को करुणा करके उसको सुखी कर सकता हूँ बचा सकता हूँ, ऐसे भाव को मिथ्यात्व तो कहा था, वो करुणा का भाव पैदा होना उसको मिथ्यात्व तो थोड़ी कहा, अंतर समझ में आया ना। तो अब ये कहते करुणा का अभाव ऐसा अर्थ करेंगे हम, तो कहते बहुत ही बढ़िया है ना करुणा का अभाव, करुणा का अभाव तो सिर्फ अरहंत तो सिद्धों में ही होता है,
तो वे तो पूरे धर्मात्मा है, वे संयुक्त का चिन्ह हो ही गया ना। वो करुणा का अभाव दो तरह का हो गया, कौन? एक तो हमें उस सामने वाले को देखें, उसे दुखी देखें, और उसे दुखी देखकर हम बहुत दुखी हों, और दुखी होकर उसके दुख को दूर करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करें, इसको भी करुणा भाव बोलते हैं, है ना? इसे करुणा भाव बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो वो तो ये कहते हैं कि तुम्हें इसे भी सम्यक दृष्टि का चिन्ह मानो। क्या सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि है कि नहीं है ना? उनके तो ऐसा करना भाव होता नहीं। अरंत भगवान भी है सम्यक दृष्टि के नहीं? उनके तो ऐसा चिन्ह होता नहीं। तो करुणा का अभाव इनने तो कहा करुणा भाव, ये तुम्हें जो ऐसा विकल्प आया कि मैं उसका दुख दूर कर सकता हूँ, तो दुख दूर कर सकता हूँ ऐसी बुद्धि पूर्वक आया ना कि तुम्हारा ये प्रयत्न, मानते तो ऐसा हो कि मैं दुख दूर नहीं कर सकता हूँ, ऐसे मार बचा नहीं सकता हूँ, और फिर ये भाव आता है मारने बचाने का, कैसा कैसा आप बात करना चाहते हैं? माने जो लोग उस करुणा भाव को समर्थन करना चाहते हैं वे तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो करुणा होनी चाहिए, और बराबर प्रैक्टिकल होकर उनको उसकी कोई दुख दूर करने का पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। क्या देखो, अब मुनिराज रास्ते में ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे हैं, तो एक एक जीव रास्ते में जा रहा है, तो वे क्या करेंगे बताओ? कि उस पर उनका पैर ना पड़ जाए, इस तरह देखकर संभाल कर अपना पैर रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? कि भाई ये क्या हुआ कि तुमने अपने को बचा लिया, कि तुम्हारा पैर उस पर नहीं पड़ा तो तुम्हें पाप नहीं लगे। वो कहाँ बचा? वो तो पीछे वाला भी आएगा, बैलगाड़ी आएगी, मोटर गाड़ी आएगी, साइकिल आएगी, स्कूटर आएगा, और उसके नीचे दबके मर ही जाने वाला है। तो क्या करना चाहिए फिर आपके हिसाब से? मैं बताऊ, अपन सोच रहे, अपन विचार कर लें कि क्या है वस्तु स्थिति, क्या है अपन हम गिरस्त, तो अपन को क्या करना चाहिए? तो अपन तो कहेंगे ये करना चाहिए कि कम से कम उस कीड़े को उठा करके उस रास्ते में से अलग कर दें, वैसी सारी जमीन है ना बगल में, वहां डाल दें, तो वहां तो कोई चलता नहीं है। जिस पे ज्यादा लोग चलते हैं, जो पगडंडी है, उस पे मरने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, और उसके बगल में तो उसके नहीं है इतनी संभावना। तो हम तो इतना कर देंगे, महाराज को क्या करना चाहिए? परिस्थिति का तो सब पे विचार करना चाहिए, हम कोई दूसरे महाराज की बात नहीं कर रहे। आप ऐसा समझो ना कि हमें महाराज बनना है, आपको महाराज बनना है, तो सब बातों का निर्णय तो हमें होना चाहिए ना बीच में, कि हमें ऐसा विकल्प आ जाएगा कि एक एक कीड़ा जा रहा है रास्ते में, तो हमको फिर अपना वो आहार को हम जा रहे थे तो उसको बंद कर कर आके, और फिर पहले उस कीड़े को वहाँ से हटाएं और इधर करें, कि खुद नहीं हटाएं तो किसी दूसरे से करवा दें, तो बोलना पड़ेगा ना, तो मौन तोड़ें। क्या करना चाहिए? तो भैया अच्छी बात है, उसे तो हटा दें तो बहुत अच्छी बात है, माने अभी कोई कौन कौन कहेगा कि ये बुरी बात है? अब बताओ, दिन भर ही ऐसा है, हर कदम कदम पर जीव हैं, और उन्हें बचा बचा करके चलना है, उन्हें चींटे चींटियां हैं ना, अब चलना है, और फिर वो उसे हटाएंगे और फिर वो वहीं में जाएगा, क्योंकि उसे भी तो रास्ता में चलना है ना, उसे भी निरापद जगह चाहिए ना, वो कांटों में क्यों चलेगा? आप समझे ना, उसको भी तो वहां जहां पर ने फेंका है उसे, वहां चलने में तकलीफ होती है ना, वो भी ऐसा निरापद बढ़िया सड़क बनी हुई है सीमेंट कंक्रीट की, उस पर ही चलना चाहता है, तो फिर क्या करेंगे हम? तो वहीं बैठ जाए, जब जो जब जब वो आए
तो उसे हटाएं या उसे समझाएं, उपदेश देना शुरू करें कि बेटा तुम यहाँ चलेगा तो कोई तेरे ऊपर पैर रख देगा, तो वो समझता नहीं है। माने आप अब प्रैक्टिकल धर्म क्या होगा, आखिरकार हमको वहीं रहना पड़ेगा कि हम अपने पैर को बचाकर चलें, बस खत्म। हमारी ड्यूटी वहीं तक पूरी हो गई, सारे जगत के जीवों को बच जाएं, उन्हें भी मारे नहीं हो, कोई मारे नहीं हो, कोई नहीं करे, इसका हम नहीं कर सकते, ठेका नहीं ले सकते। हम ऐसा कहते हैं हम ठेका नहीं ले सकते, लोग कहते कैसा दुष्ट आदमी है, हम लोग कह रहे हैं अधिकार प्रैक्टिकल क्या है। हमको कोई ठेका शब्द कह करके हम उसमें अरुचि नहीं बता रहे, हम तो चाहते हैं वो जो अपनी कल परसों की ली थी ना लट, जो अपनी सब्जी में निकल आई थी, बनी बनाई सब्जी में नहीं, वो कच्ची जो बाजार में से बना रहे थे ना अपन, कि अब उस लट को क्या करें, है? दो दिन से संभाल रहे हैं अपन आखिर तो हमें अभी उस लट को छोड़ना पड़ेगा ना कि वो जहाँ जो जाएगी जैसी जाएगी जो होगा के जा करके हम उसे चिड़ियाघर में दे में उसे चिड़ियाघर वाले उन लटों को संभाले कर तो वो कहते हैं यदि करुणा तो उत्कृष्ट करुणा भाव जो है वो उत्कृष्ट जाति का सुभराग है, समझ गए ना, उसे बहुत पुण्य बनता है, बहुत अच्छा पुण्य बनता है, मेरा मतलब समझ गए ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंद उसी करुणा भाव से होता है, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। जैसे तो मैंने यहाँ जब आया ही आया था मैं जयपुर में 67 में, तो मैंने 1-2 साल तक लगातार 16 कारण भावनाओं पर प्रवचन किए थे, है ना, और मैंने बताया था कि किन भावों से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, सिद्ध किया था। सब भाव जो 16 कारण भावनाओं में गिनाए हैं ना, वो सब भाव जरूरी नहीं है, बस एक दर्शन विशुद्धि मन सम्मा दर्शन होना बहुत जरूरी है, और दूसरा वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव भी किस प्रकार का, कि मैं ये चीज जो समझ गया हूं मैं सबको समझाना चाहता हूं, अब लेकिन फिर वो अंग्रेजी नहीं जानता तो अंग्रेजी वालों को नहीं समझा पाता, फिर मैं कन्नड़ नहीं जानता तो कन्नड़ वालों को नहीं समझा पाता, मैं गुजराती नहीं जानता तो गुजराती वालों को नहीं समझा जा पाता। तो ऐसा भाव होता है ना कि मैं सबको समझाऊं, तो उसको ऐसा पुण्य बनता है कि जिसको ऐसी भाषा मिले उसे कि जो सब भाषाओं में समझ लें, वो एक भाषा में बोले ओम बोले अकेला, वो सब अपनी अपनी भाषा में समझ लें, क्योंकि उसकी वो मजबूरी थी ना जिससे उसे बहुत करुणा आई थी कि ये तत्व इतना सही है, मतलब इसको मोक्ष मार्ग मिल जाए इसकी करुणा क्या, रोटी मिल जाए, भूख मिट जाए, पैसा की कमी हो जाए, इसकी करुणा फरना नहीं, 5 इंद्री के विषयों के भोगों की कमी होने से बहुत जीव अपने को दुखी अनुभव करते हैं। अब मैं सब नहीं कहना चाहता हूं, ख्याल नहीं ना, लेकिन है तो वास्तव में सब कहने जैसी बात। तो हम क्या करेंगे, सबको 5 इंद्रियों के विषय भोग जुटाएंगे, वो तो पाप बंद के कारण है ना, हम उन्हें विषय भोग जुटाएंगे तो वे विषय भोग भोगेंगे तो वे पाप बांधेंगे, तो हमने उनको पाप बंध के साधन जुटाए, ठीक है, इसलिए वो बहुत हीन जाति का पुण्य होगा। तो इस हीन जाति का पुण्य होगा तो क्या कहेगा कि तुमने उन्हें 5 इंद्रियों के विषय जुटाए तो तुम्हें उसके फल में 5 इंद्रियों के विषय मिल जाएंगे, मरो तुम भी मरो, जाओ भोगो भोगो नरक में जाओ।
कि हम मिलते तो वे भी पुण्य सही है, ऐसा ही पुण्य, ऐसा ही फल, ऐसा ही भोगना। पांच इंद्रियों के विषय भोग की सामग्री, जैसे अच्छी भाषा में संपत्ति, रुपया पैसा, रोटी कपड़ा और मकान, न मालूम क्या क्या नाम दिए गए हैं, समझ में आए ना। और उसको कहते भैया अकेले वो भोग की सामग्री नहीं है, मजे ही लूटने की बात नहीं है, पेट भी पालना है, इस सभ्यता के बीच में रहना है तो तन भी ढकना है, ये कपड़े हमने शौक के लिए ही नहीं पहने हैं, ये सबके बीच में बैठे हैं तो हमें सभ्यता से बैठना है इसलिए भी पहने हैं, और सर्दी लगती है इसलिए भी पहने हैं। माने मतलब सब हो गई, भोग की बात तो नहीं है ना, सबको ये लगता है, सब कहते हैं, जो लोग दया वाले हैं वो सब यही तो बात कहते हैं ना, इन्हें आप भोग सामग्री कह कह के हैं कि भाई वो सामने वाला है, अभी हम पैसा देंगे तो ले जाएगा और शराब में शराब पिएगा, हाँ ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ऐसा कह के मुझे समझा देगा तू मत दे, शराब पिएगा, भूखा भी तो है तो रोटी भी तो खानी है, दो दो रोटी में पेट भी तो भरना है, तो हाँ मैं तो रोटी खिला दूंगा, मैं रोटी दे दूंगा, मैंने उसका पेट तो मैं भर दूंगा लेकिन उसे भोग के निमित्त की सामग्री मैं नहीं दूंगा। लेकिन वही चीज जो पेट भरने की निमित्त है वही कब भोग की वस्तु बन जाती है, वही रोटी खाने में मजा आता है जो आपके मन की मिल जाए तो, तो नमक मिर्च सही डले हुए थोड़े हैं, मेरा मतलब वही आपकी जीवन के अभी आधार है और वही आनंद का भी, भोग के आनंद का आधार है, उसमें ऐसा ज्यादा वो नहीं कर सकते भाई फर्केशन, कभी हम आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप पंडित हो सारी व्यवस्था हमारी तरफ से, अब आज से आप चिंता मत करना, हम आपकी रोटियों दाल की व्यवस्था, शुद्ध सात्विक कपड़ों की व्यवस्था हम सब कर देंगे, लेकिन एक शर्त है अभिनंदन जी कि रोटी खाने में मजा मत लेना, क्या ऐसा मुंह बना के खाना क्या करेंगे क्या करना चाहिए बताओ आप। अरे वो तो हम ये कहेंगे जो कुछ रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पी मतलब दूसरी चोपड़ी देखकर मत ललचावे जी, कहते ना दूसरी की चिपड़ी हुई रोटी माने घी लगी हुई रोटी देखकर तुम मन मत ललचाए, कहते ना, लेकिन उसको बाइफर्केशन हम नहीं कर सकते, हम रूखी से रूखी रोटी में आनंद लेके खाएंगे तुम क्या करोगे। मैंने वो चक्रवर्ती का जब उदाहरण दिया था तब समझाया था कि वो तुम चक्रवर्ती 96,000 पत्नियों में एक से एक सुंदर जो करेगा वो एक आप हमने कहानी के लूटी काली के लूटे में भी वो मजा देगा तो क्या करोगे तुम वो अपनी व्यवस्था ही थोड़ी जुटाएगा उससे। मेरे कहने का मतलब ये है कि पांच इंद्रियों के भोग सामग्री भी वही है और जीवन की सामग्री भी वही है, कैसी विचित्र बात है, समझ में आई कि नहीं आई। माने वही सामग्री पांच इंद्रियों के भोग भोगने में काम में आ रही है और वही सामग्री हमारे जीवन जिंदा है उससे हम, नहीं हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब दया काय को माने, तुम्हें जिंदा रखने के लिए दया करने के तुम्हारे पांच इंद्रियों के भोग जुटाए कि भाई ऐसा भाई भेद नहीं दिया जा सकता, हम तो तुम तो सब देंगे तो तुम जो कुछ होगा सो होगा, समझ में आई ना। लेकिन इसमें जो तीर्थंकर प्रीति बनती है इसमें जो वात्सल्य भाव होता है, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे, सिर्फ इसमें ही लिखा है और जो 15 भावनाएं लिखी उसके फल में तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ये पूजा में ही नहीं लिखा। जो उसका फल लिखा ना अंत में तो क्या लिखा, उसमें भी नहीं लिखा, उसमें भी ऐसा ही लिखा है पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश क्या ऐसा कुछ लिखा है। मेरा मतलब यह है तीर्थंकर प्रकृति बनती है ये वहां भी नहीं लिखा है, सिर्फ वात्सल्य है। वो वात्सल्य किस प्रकार का, सिर्फ इस प्रकार का कि मैं जो तत्व ज्ञान समझा हूं वो तत्व ज्ञान वो आत्मा
यदि सामने वाले के समझ में आ जाए और उसमें उसका अपनापन हो जाए तो उसे गारंटी से सम्मा दर्शन ज्ञान चात्र की प्राप्ति होकर मोक्ष हो जाएगा। अब मेरी समझ में आ गया है और मैं समझा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं इनकी भाषा नहीं जानता। चलो हिंदी गुजराती मराठी दो चार भाषाएं सीख भी लूंगा, क्या तो गाय भैंस को कैसे समझाऊंगा, उनकी भाषा नहीं जानता। तीर्थंकर की सभा में तो गाय भैंस भी आते हैं ना, कुत्ता बिल्ली भी आते हैं क्या नहीं आते हैं, उनकी भी समझ में आना चाहिए। तो उनको ऐसा साथी से पुण्य बनता है कि उन्हें ऐसी भाषा मिले और वो व्यवस्था हो, वे एक साथ आकर बैठें तो एक दूसरे को खाना जाए, तो वो तीर्थंकर प्रकृति 13वें पुण्य स्थान में उदय में आती है और वो वहां आकर के वो व्यवस्था करती है, तुम्हारी रोटी दाल की व्यवस्था नहीं करती है। पारसनाथ को पत्थर बरसे तो तीर्थंकर प्रकृति ने कुछ नहीं किया, आराम से सोती रही अंदर, क्यों कमर पत्थर बरसा रहा था ना, तब तीर्थंकर प्रकृति थी उनकी यानी सत्ता में, क्या कर रही थी। और जब 13वें में आए संभूषण बना दिया और सब जीव आओ और सुनो, तो उतने से भाव से बन जाती है वो। एक और मरम की बात इसमें साथ में कि वो तीर्थंकर प्रकृति बनने का भाव, तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी प्रकृति है। निरंतर बंधी प्रकृति का अर्थ समझते हो कि जब से वो बंधी और जब वो उदय में आके खिरेगी तब तक निरंतर बनती रहती है, 24 घंटा बनती रहती है। इसका क्या मतलब हुआ समझे आप, मुफ्त में तो बनती नहीं रहती है, ऐसा तो है नहीं हमने इधर पैसे जमा करा दिया तब तो वह सब हमेशा होता रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका वो भाव जब तक राग भाव उसके जिंदा रहेगा तब तक निरंतर रहेगा। शांति जी समझ में आया कि नहीं आया, उसी जाति का परिणाम रहेगा निरंतर। वो बंधना शुरू हो गई ना तो तब से जब तक वो केवल ज्ञान होकर उदय में नहीं आएगी तब तक, अब वो और कब तक वो बनती है वो तुम्हारा कुछ में देख लेना कौन से गुण स्थान तक बनती है, 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक, 8वें गुणस्थान के 14 भाग करो उनमें से 6वें भाग तक वो बनती है 4थे गुणस्थान से लेकर, तो वो उतने हिस्से में जब तक रहेगा तब तक निरंतर बनती रहेगी। तो निरंतर बनती रहेगी का अर्थ ये है कि उसके ऐसे परिणाम निरंतर रहेंगे, जैसे अपन गुरुदेव जैसे लोगों के हृदय में देखते हैं ना ऐसे परिणाम, तो उससे अपन कहते हैं ना अभी जो ये तथ्य मेरे ख्याल में आया तो मैंने उस तथ्य को बताया तो लोग समझे वो अल्लाह करने लग गए, क्या बात है सोनगढ़ वालों ने तुम्हें खरीद लिया। मैंने कहा जी यार आप कभी विरोधी लगाते थे, अब जी यार आप मेरे विद्यार्थी लगाएंगे क्या। मुझे वो तर्क ख्याल में आया ना इतने का निरंतर, ऐसी भावना उनको निरंतर रहती थी, अपन देख रहे ना सारी जिंदगी उसमें लगा रहे और धंधे में नहीं गए। जैसे मैंने ये कहा था कि भाई एक अक्षर नहीं लिखा और इतना लिखा गया तो ऐसा अनंत भगवान के ही होता है, दिव्य ध्वनि में ही होता तीर्थंकर की, उससे ही ऐसा प्रचार होता है एक अक्षर नहीं लिखे और सारी जुनवाणी के करता भाई। अरे उनने जो बोला वो टेप हो गए फिर वो लिखे गए, वो तो दूर जाने दो, अब हम बोल रहे ये भी उनके खाते में जमा होता है, इसका दुख नहीं है। मैं बता रहा हूं बस तुका सरूं, क्यों होता क्या नहीं होता, अपन लोग जो काम कर रहे हैं तो ये भी उनके ही खाते में जिंदा होता है कि नहीं, अभी अभी तक अभी भी, वे तो 30 साल पहले चले गए क्योंकि वो निरंतर बंदी प्रकृति है ना, यानी उनका परिणाम निरंतर ऐसा बना रहता है। अपन भी देखते हैं जिन जीवों का एक धारा चलती है ना अखंड अंदर से,
सवाल ये है कि ये करुणा वो करुणा भाव था, वो वात्सल्य भाव करुणा भाव था, क्योंकि उनके उनसे भाईबंदी का प्रेम नहीं था, बराबरी का प्रेम नहीं था उन्हें किसी से। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ दादा, माने उनको जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी तो सब जीवों पर ये मेरे भाई हैं, ये मेरे माँ हैं, बाप, ऐसे बराबरी वाला प्रेम वात्सल्य भाव नहीं था, साधर्मी भाई का वात्सल्य भाव नहीं था, विधर्मी ही उनको भी समझाने का भाव था। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई मतलब नहीं मुझे तुमसे, सिर्फ मैं ये बात तुम्हें समझाना चाहता हूं। माने वो क्या कहते थे तीर्थंकर, कि उन्हें किसी गाय से, कुत्ते से, बिल्ली से नहीं था फिकल कि गाय फिर मुझे कभी दूध देगी और मैं इसका दूध कभी पीऊंगा, ऐसा नहीं था। पर उनको तो समझाने का भाव था, पहचानने का भाव नहीं था। पहचानते तो होंगे ही, केवल ज्ञानी थे, इसलिए मैं उनमें ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहता जाता हूँ कि ये मेरी तत्व की बात आप तक पहुँच जाए, बस खत्म। फिर मेरा नाम क्या है, मैं तो नहीं जानता। तो मैं 5 साल से पढ़ता हूँ आपके पास, बगल में ही रहता हूँ, 25 बार में 50 बार आपके ऐसे बगल में से निकला होऊंगा। और मैंने बोला होगा सभा में, तुम बैठे होगे और नाम भी मेरा बोला गया होगा। वो 5 साल में तुम्हें मेरा नाम याद नहीं होगा, शक्ल याद नहीं हुई, हमें क्लेम नहीं देना, नहीं तुमसे काय को करना, काय को याद रखना, क्यों? हमें तो अवग्रह से आगे कुछ काम किया ही नहीं, या नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तो आवाज नहीं हुआ, धारणा नहीं हुई, कहाँ से याद आए। कल एक लड़का आया था किसी के साथ, तो वो हमने उनको भोजन कराया, मुझे तुम चलो आप भी बैठ जाओ, बोले मैं तो यहाँ का विद्यार्थी हूँ, मैं तो ऊपर खाऊंगा। तो उसने नहीं खाया हमारे, मैं तो उसको मेहमान ही समझा और मेहमान के साथ ही भोजन करने को बोला। तो बोला कि दादा मैं फाइनल का विद्यार्थी हूँ हमारे। फिर बोला कि आपके गले रोजाना पाठ मैं ही करता हूँ, फिर संसार का यहाँ जो पाठ करते हैं ना पढ़ते हैं। अब वो यहीं बैठा होगा कहीं, अभी भी नहीं पहचान सकता मैं तुम्हें। अब जो खराबी समझ लो, अच्छाई समझ लो, जो भी है वो है। अब वो प्रकृति से है, मेरा मतलब मैंने बुद्धि पूर्वक उसको कुछ किया नहीं है, मैं तो अपनी कमजोरी ही समझता हूँ कि ये कोई इतनी ज्यादा अच्छी बात नहीं है, प्रशंसा के लायक बात नहीं है। ये तो तत्व ज्ञान की बात में अपन आ गए, इसलिए ये प्रशंसा लायक थोड़ी हो गई। यदि इस क्षेत्र में नहीं होते और सारी दुनियादारी के क्षेत्र में होते तो सबसे ज्यादा डिस्क्वालिटी कहलाती। क्या इतना सिर्फ उदाहरण के लिए मुझे आपको ये बात कहनी पड़ी कि वो अरहंत भगवान का जो है ना तीर्थंकर प्रकृति का, कि वो उन्हें जिसको समझाना है उससे कोई पहचान नहीं है। जो भी भव्य जीव और समझने की पोजीशन में है, चाहे देव गति का हो, चाहे त्रिंद गति का हो, चाहे मनुष्य गति का हो, अब नार की इधर आ नहीं सकते और भगवान वहां जा नहीं सकते, इसलिए नारकी को छोड़ दो। जो भी भव्य जीव हो, सैनी पंचेंद्री हो, उसकी समझ में ये बात आ जाए, बस इस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और हमने ऐसे भाव को उनके देखा तो हमें लगता है कि तीर्थंकर होंगे। अब ये तर्क है, ये युक्ति है, ये आगम है, हम समझ में आए ना। हमने वो बात आपको बताई और आप कहने लगे अब ये क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले तो आप ऐसा कहते, क्या कहते थे हम पहले? हम तो यही कहते थे, ये तो हम पहले भी मानते थे। वो पोपडम को हम आज भी नहीं मानते हैं, आप समझ में आए ना। जिस तरह उसका दुरुपयोग हो रहा है उसको हम आज भी सही नहीं मानते हैं। लेकिन जो तर्क युक्ति और फिर वो भी हमारे गुरु के संदर्भ में आए
हम वो नहीं कह सकते, उसने कोई पक्षपात की बात क्या है। सबने बहुत मेरे बहुत नीरस लोगों ने कहा, नहीं कुछ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, बोला सब ठीक होगा, क्या होगा, और जो जिसको जो मानना होगा मानेगा, मुझे क्या है, मतलब मैं तो जो कह रहा हूँ वो बात है। अब ये करुणा भाव की बात चल रही है, तो वो कौन, वो जो तीर्थंकर प्रीति बन रही, वो करुणा भाव है, उसके लिए कुंद कुंद कह रहा है, ये मोह एक मिथ्यात्व का चिन्ह है। तो भी मिथ्या दृष्टि है क्या? करुणा भाव होना थोड़ी मिथ्यात्व का चिन्ह है क्या? करुणा भाव को धर्म मानना ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। मैं ऐसा कर सकता हूं, वे जो उनको जो ऐसा भाव हुआ था जब तीर्थंकर प्रकृति बनी थी तब हुआ था, जब वे बोल रहे तब थोड़ी है, वो समझाने का भाव तब थोड़ी है, वो तो तब हुआ था, अब उसी के उदय से वो काम चल रहा है, उन्हें तीर्थंकर का कुछ नहीं है उसमें। अब अपने यहां वो पढ़ा होगा ना, आपके तुमने पढ़ाया होगा, समीहा मंत्र एणापी यथा भक्ति जनेश्वरा, ये पढ़ाया तुमने कि नहीं पढ़ाया? काय में है जी, आप परीक्षा में, आप तो मीमांसा में है ना, आप परीक्षा में है क्या? समीहा मंत्र एणापी यथा भक्ति जनेश्वरा, वो क्या कहता है सामने वाला ईश्वरवादी, कि जैसे तुम्हारा भगवान बिना इच्छा के प्रवचन करता है संगोषण में बैठ के, समीहा माने इच्छा, मंत्रेण आपि माने बिना, यथा भक्ति जिस प्रकार भक्ति माने बोलते हैं, कौन जिनेश्वरा, जिनेश्वर बिना एक इच्छा के बोलते हैं। इन ये कहा था कि तुम्हारा भगवीश्वर के इच्छा है कि नहीं है, कि इच्छा है तो दुखी है, इच्छा तो दुखी जीवों की होती है, दुख की निशानी है, और तुमको इच्छा नहीं है तो ये सारी दुनिया की रचना कैसे करता है, ये जैनियों ने कहा। तो उनने ये जवाब दिया, ये था भक्ति जिन्हें बिना इच्छा के जैसे तुम्हारा भगवान बोलता है, तथा ईश्वर कार्याणी कुरियादि तप्त पेशलम, उसी प्रकार ईश्वर कार्य करेगा, कहते ये बात भी ठीक नहीं है, इति अपेशलम, ये बात भी सही नहीं है। फिर उनने आगे के उसके लिए बहुत तर्क दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि एक कारिका से तुम लोग परिचित नहीं हो, चेहरे पर नहीं दिखता किसी के ऐसा भाव कि इसने ये कारिका पहले पढ़ी है सुनी है। देखो अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो इसमें है कोटेशन, वो बहुत अच्छा है, तो मेरे मन में आया है कि मैं तुमको पढ़ के ही सुनाऊं, बहुत मार्मिक बातें हैं उसमें। पेज नंबर 395 में नीचे की दो पंक्तियां पढ़ें। जीव ज्ञान स्वरूप है, मिल गया, जीव ज्ञान स्वरूप है, विभाव विपरीत है और निमित्त पृथक है, तीन चीजें हो गई। हमारा आत्मा तो ज्ञानानंद स्वभावी है, और आत्मा में जो मोह राग द्वेष होते हैं वो विपरीत भाव हैं, विभाव हैं, और निमित्त हैं वो हमसे पृथक है, और द्रव्य का नाम निमित्त है। ऐसा नहीं मानता और निमित्त से लाभ मानता है, विभाव को अनुकूल मानता है और स्वभाव के सामर्थ्य की खबर नहीं है, इस प्रकार जिसे पदार्थों की खबर नहीं है वह पदार्थों को अन्यथा अंगीकार करता है, वही मिथ्या भाव है। ये कारकार से तत्व की अप्रतिपत्ति का। अब देखो, दुखी जीव ज्ञान के गेय हैं किंतु अज्ञानी उसे करुणा का कारण बनाता है। त्रिंच और मनुष्य मात्र मध्यस्थ भाव से देखने योग्य हैं, फिर भी अज्ञानी जीव अज्ञान द्वारा संयोगों में एकत्व बुद्धि पूर्वक करुणा करता है। एक लोग क्या कह रहे हैं ये मालूम, कि वो करुणा जो है, करुणा इनने जो मूल शब्द आचार्य का है ना, प्रेक्षा योग्य है, वह जानने लायक है। तो ये क्या मानता है, वो हमारे गे ज्ञान का निमित्त है और इनने हमारी करुणा का निमित्त माना। वो कहते उसे मैंने दुखी देखा इसलिए मुझ में करुणा पैदा हुई। इस बात पर गुरुदेव ने बहुत जोर दिया है कि उससे करुणा पैदा नहीं हुई है,
हमारे अंदर में जो दया का भाव आया है तो किसी दुखी जीव को देखकर दया का भाव नहीं आया। अब आप कहें क्या कहेंगे, नई बात है ना। वो क्या कहते हैं, क्यों आया, कि अपने कारण आया तो स्वभाव हो जाएगा। स्वभाव है नहीं वो, और पर के काजी में ऐसा मानूंगा तो पर के कारण आया मानूंगा, तो परद्रव कर एक देव दूसरे देव का कर्ता हो जाएगा। तो क्यों आया, तो कहते वो तो अपने समय की पर्याय की योग्यता से आया है। अरे क्या बात कर रहे, अब ये और नई बात हो गई, हुई कि नहीं हुई नई बात, कि वो हमारे पर्याय तत्समय की योग्यता को चाहे उस समय की कमजोरी के कारण, ऐसे शब्द का प्रयोग है। सुनो प्रश्न, सम्यक दृष्टि का अनुकंपा भी एक लक्षण कहा है, अब वही बात आ गई ना, किंतु यहाँ तो उसे दर्शन मोह का लक्षण कह रहे। अब सम्यक दर्शन का लक्षण है कि दर्शन मोह का लक्षण है ना, इसका क्या अर्थ है। अनुकंपा तो राग है, सम्यक दृष्टि को अज्ञान जनित ऐसा राग आता है इसकी पहचान कराई है। अज्ञान रहित ध्यान से दो, वो कहते हैं कि उसको ये बात पक्की मालूम है कि इसका कारण मैं नहीं हूँ और मेरे में इसको दुख दूर कर नहीं सकूँगा, बचा नहीं सकूँगा, फिर भी उसे बचाने का भाव और सुखी करने का भाव आता है। ऐसी ज्ञानी के जीवन में भी ऐसा देखने में मिलता है, तो इतना सा ज्ञान कराना है कहते हैं। अब इससे हमें तकलीफ हो गई कि उनके ज्ञान जीवन में दिखता है तो तुमने उपाधेय मान लिया। कोई काम हम बताएंगे जो छोड़ने लायक है तो आप भी तो करते हो, अब हम वो छोड़ नहीं सकते, तो हमारे जीवन में छूटता नहीं है समझ लो, तो हम तुम मानते नहीं हो, तो भाई हम नहीं मानते उसे, हम नहीं करते हैं तो कौन कर्म करता है, कि कर्म भी नहीं करता है, वो पर्यायगत योग्यता से होता है, कमजोरी से होता है कि हम नहीं जानते, यही परंपरा की बातें हम नहीं जानते। अब क्या करें, यानी ये बहुत बड़ा पेटा है कौन, कि जिसका आत्मा भी करता नहीं है और परद्रव्य भी करता नहीं है, और बीच में चौथे गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान तक इतना जो राग होता रहता है बीच माने के प्रकार का। कैसी बात कर रहे हो, मानते ये हैं कि हम बचा नहीं सकते, मानते ये हैं कि हम सुखी नहीं कर सकते, फिर भी बचाने का और सुखी करने का भाव आता है और उसे पुण्य बनता है। अब ये होता रहता, अब और सुनो, अकेला इतना ही थोड़ी है, अज्ञानी जीवों के फिर ध्यान बदल देता हूँ, जो ज्ञानी जीव अज्ञानी जीव को ध्यान रखना, उसे मैं दुखी कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, ऐसी बुद्धिपूर्वक मारने का भाव आता है, दुखी करने का भाव आता है, तो ये पाप बनता है। अब ये अंतर तो है ही ना, यदि ज्ञानी को भी बीच में जब उसे सुखी करने का भाव आ गया और मानते हुए कि मैं सुखी नहीं कर सकता और बचा नहीं सकता, ऐसे बचाने का भाव आ गया ना, ऐसे ज्ञानी को भी सम्यक दृष्टि को भी सुनना, मारने का भाव भी आ सकता है और दुखी करने का भाव भी आ सकता है। और सैकड़ों उदाहरण बता दूं मैं आपको, ये जानते हुए भरत चक्रवर्ती जो भी चक्रवर्ती युद्ध करने गए आया ना उन सबको भाव, उनने बंदूकें चलाई ना, गोलियां चलाई ना, जानते मैं नहीं कर सकते, ये ऐसा मान रहे और जान रहे और ये भाव भी आ रहा दुखी करने का और उसे पाप भी बांध रहे। अब जो भी मर्यादा है करुणानियोग के हिसाब से, उसके हिसाब से जो बनता है, जो प्रकृति बनती है वो बनती है, समझ में आई कि नहीं आई। ऐसी जो परिणति है ज्ञानी और अज्ञानी की दोनों की, अब इसके बीच में वो वस्तु का स्वरूप समझाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अज्ञानी कहता है देव तो छलिया जैसा दिखता है, तो क्या करें, स्थिति तो ऐसी है। तो इस कहते समझाने से नहीं समझता है, समझने से समझता है, उसके मिथ्यात्व का जोर कम होगा ना तो समझ में आएगा। फिर ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जितने जी प्रेम से सुनते हैं तो उनके ऐसा आया होगा काल। और फिर करुणानियोग में तो कहते हैं ना कि अपन को जैसे सम्यक की प्राप्ति का काल आता है ना,
तो जो 70 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मोहिनी है वो बीच में कम होते 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 अंत कोड़ा कोड़ी रह जाता है, तो इतना जो 69 कोड़ा कोड़ी जाता है तो उसमें कोई भाव तो होता होगा निमित्त, और वहाँ सम्यक की तो गंध भी नहीं है, और हमारे आत्मा की रुचि की भी गंध नहीं है, पर वो अश्विनी पंचेंद्री के ही होता हो ऐसा नहीं है। वो उन जीवों के हुआ जो निबोध से निकले लट हुए और चक्रवर्ती के बेटे हो गए और वहाँ चले गए, तो उनका वो कर्म कम होता होने का काम वो वहीं हो गया, वो निबोध में ही हो गया, वहाँ एक इंद्री की पर्याय में हो गया, दो इंद्री की पर्याय में हो गया, वो प्रक्रिया होती है ना। तो वो हम उस पूरे व्यंजन में तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये स्वरूप ही है। श्रद्धा में करुणा भाव रंच मात्र भी उपादे बुद्धि नहीं होनी चाहिए, और मैं उसका करता हूँ, मैं करुण जिसके प्रति मेरी मुझे करुणा आ रही है वो करुणा के अनुसार जो विकल्प आ रहा है बचाने का और सुखी करने का, वो उस विकल्प के कारण गारंटी से नहीं होगा कि नहीं होगा, यानी हो तो सकता है, वो जीव तो सुखी हो सकता है दादा, वो बच भी सकता है, लेकिन वो मेरे उस करुणा के कारण नहीं बचा, मेरा स्वतंत्र बात है उसकी स्वतंत्र, उसे वो अपने कारणों से बचा है। अब ऐसी प्रक्रिया निरंतर होती रहती है और लोग देखते रहते हैं, कहते रहते उसने बचाया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। ये सब्जेक्ट जिसकी समझ में आ जाए तो उसको ये समझ में आएगा कि समझाना कितना कठिन है, क्योंकि फिर समझा तुम, अब तुम समझा बेटा, तेरी समझ में आ गया ना तो समझा, सारे जगत को समझा, जिन्होंने तेरा विरोध भाव लिए भी बैठे हैं लोग, यानी वो सामने वाला भी पूरा पवित्र भाव लेके बैठा हो कि कोई नई बात कही जा रही है, मुझे पूरी साहित लगा कर समझना है, तब भी बहुत कठिन है, और ऐसा विरोध का भाव लेके बैठा हो तो उसको तो क्या समझ। हम कोई बात समझाते हैं, अरे नहीं आपका समझाने का तरीका जी अच्छा नहीं। अरे भाई तो हमें बात समझाने का विकल्प है भाव के, वो जो बात हम कहना चाहते हैं हैं, और तू हमारी समझाने की शैली पे डिस्कस करना चाहता है हमसे उसी वक्त। अब वो सब्जेक्ट हम बंद करके समझे ना, फिर इस पर डिस्कस करें कि कौन सी समझाने की शैली अच्छी है, हैं कि नहीं नहीं उस बीच बीच में वो मिथ्या तू भी ठीक है ऐसी कह जाओ, देवी देवता भी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, गणेश जी भी कुछ करते हैं, और सब अपने नहीं करते हैं तो उनकी तो करते हैं, और अल्लाह खुदा उनके यहाँ भी होता है, वे लोग भी स्वर्ग जाते हैं, ऐसा थोड़ी उनके धर्म नहीं होता है, क्यों अपने नहीं बोलो, परमहंस नामा परमति आगे सहस्रार्ध नहीं गति, वो सब बार में स्वर्ग तक तो वे भी जाते हैं कौन। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जहाँ भीत मिथ्या दृष्टि भी असली धर्म का कट्टर विरोधी भी जा सकता है पहुंच सकता है, वो कोई अच्छी जगह नहीं है, वहां हम पहुंच जाएं उसके लिए कोई प्रयास करने की बात नहीं है, उसका जो पुरुषार्थ है वो धर्म वाला पुरुषार्थ नहीं है, तो क्या करोगे अब। वो कहते हैं अच्छा आप तो हमें एक बता दो, इसमें लिखा है आप तो हमें ये बता दो कि हम करना करें कि नहीं करें, हम झंझट में ज्यादा नहीं जाना, क्या कहें क्या कहें, ऐसा ही लिखा है मैं अभी पढ़ के बताऊंगा, पहले मेरे मुख से सुन लो आप तो ये कह दो करें कि नहीं करें, और ये तो आप कह नहीं सकते नहीं करो, क्यों नहीं कह सकते हो, इसलिए नहीं कह सकते हो कि ज्ञानी जीवों भी करते हुए देखे जाते हैं, आप कैसे बोलोगे हम फटाफट वो उदाहरण ले आएंगे और सारी दुनिया उसके विरोध में है, तो तुम उसका भी डर तुम्हें लगता है, वो तो तुम कह नहीं सकते हो, और करो कहोगे तो फिर तुमने कह ही दिया, फिर तुमने मान ही लिया। अरे भाई यही तो हम कह रहे हैं, तू हमें फंसा रहा है कि हम ना भी नहीं कह सकते, हम हाँ भी नहीं कह सकते, ए, हम गोलम गोल करना चाहते हैं कुछ नहीं, हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे क्या कि बिल्कुल तू कर नहीं सकता, तेरे करने से होता नहीं, यदि हुआ भी है तो तेरे करने से नहीं हुआ,
कि हमने ये दवाई खाई थी और हम ठीक हो गए। कहीं दवाई से ठीक होता ही नहीं हो, कि हो गए ना तुम ठीक हो गए ये बात सच्ची होगी, लेकिन इस दवाई से हुए हो ये बात सच्ची नहीं है। इसमें जो डॉक्टर बोलता था मैंने आपका इलाज नहीं किया, आपका इलाज तो भगवान कर रहा है, ऐसा बोला। जो डॉक्टर सीधे में बात नहीं करता था, इसे मिलना एक मिनट मुश्किल था, वो आध घंटा बैठे गप्पे लगाता और कहता है आपका इलाज भगवान कर रहा है। अब उसे मैं कैसे समझाऊं कि भगवान भी नहीं करता है। क्योंकि जो भी दवाइयां मैंने में दी हैं उनमें कोई दवाई उस बीमारी को ठीक करने की है ही नहीं। किसी भी दवाई में नहीं लिखा है उसके जो है ना ये फायदे होते हैं, नहीं और इस बीमारी में इस दवाई का नाम नहीं लिखा। अब मैंने दे दी और आपको लग गई और आपको हो गया, इसलिए मुझे तो आश्चर्य है कि तुमने बुलाया काय को फिर मेरे को यही देखने कि ये कैसे हो गया आश्चर्य। फिर हुआ भी है कि वैसे ही बोल रहे हैं, एक अकेली जांचें आ रही हैं कि मैं मरीज को चलते फिरते देखना चाहता तो तुम्हें देख करके और मेरी तबीयत खुश हो गई है, ऐसा बोल रहे। न कागज देखे न हाथ देखे न कुछ नहीं देखे, बस ऐसा बोले क्या करे। वो कर्म मैं मानता हूं पक्का, मेरी दवाई से कुछ नहीं होगा, बस आप होना था आपको हो गया। अब ये उसके मेडिकल साइंस में नहीं लिखा है, क्या करें। मेडिकल साइंस में ये नहीं लिखा कभी ऐसा भी हो जाता है, समझ गए ना। देखो अभी अपन कहाँ पढ़ रहे थे, कृष्ण है ना, सम्य दृष्टि की अनुकंपा एक लक्षण कहा है, किंतु यहाँ तो दर्शन भोग का लक्षण कहा है। अनुकंपा तो राग है, सम्यक दृष्टि को अज्ञान रहित ऐसा राग आता है। इतनी पहचान कराइए सिर्फ, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला है, इसे छोड़कर भूलकर ये मनुष्य उत्तरंज गति दुखी हैं, वे मिथ्यात्व से दुखी हैं, ऐसा ज्ञानी मानता है। मुझे उनके कारण उनके प्रति करुणा आई है, ऐसा मानने रूप करुणा मिथ्यात्व का लक्षण है। वो कहते हैं कि तेरे को जो दया आ रही वो भी उसे दुखी देख के नहीं आ रही, कि दुखी देख कर तो तुझे क्या होना चाहिए था कि ये दुखी है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए बस, क्योंकि वो परीक्षा योग्य है, तेरा वो गेय है, तेरी रिश्तेदारी उसे गेय गया एक संबंध की हो सकती है। एक तू उसे बचाए और वो बचे, ऐसी तेरी रिश्तेदारी उसके साथ हो ही नहीं सकती। ये कह रहे जो अभी कही है ना अटपटी बात, ज्ञान जानता है कि ये गेय हैं, किंतु उनको जानने के बदले कोई ऐसा माने कि उनके कारण मुझे दुख होता है, कौन सा दुख, करुणा वाला, कि वो दुखी हैं और उन्हें जानकर मैं दुखी हो गया, तो मेरे दुख का कारण उसका दुखी होना है। क्या क्या कह रहे हैं, अपने दुख के कारण को यहां नहीं खोज रहा है, कहां खोज रहा है उसे। अथवा वह प्राणी हैरान होता है तो वह मिथ्या दृष्टि है, मेरी कमजोरी के दोष के कारण मुझे करुणा आती है, जो करुण मुझे दया आती है वो मेरा कौन सा अपराध है कि मेरे में कमजोरी है, कि मेरे को देखा नहीं जाता ना, उससे देखते ही करुणा आ जाती है, यानी मैं नॉर्मल नहीं रह सकता। अरंत भगवान की वो कमजोरी नहीं है तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, मैं तक अपन दुखी हो जाते हैं, ऐसा मानना यह अलग बात है, किंतु इस जीव के कारण मुझे करुणा आती है ऐसा जो मानता है वह तो पर के कारण राग देश मोह का होना मानता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। एक इन्हें बैठ के घर पे शांति से पढ़ना लक्ष्मी, और फिर इसमें से अर्थ निकालना जो मैं ये कह रहा हूं, नहीं निकलेगा, लेकिन है इसमें। गुरुदेव भी क्या करते, भाषा कहां से लाए, जो कहना चाहते हैं है ना। संपूर्ण विश्व को
ज्ञान का गेय बनाना चाहिए, देखो लिखा ना क्लियर, ज्ञान का गेय बनाना चाहिए, नहीं जानना चाहिए क्या लिखा, इसके बदले उन्हें करुणा का कारण बना रहा है। अब ये दिक्कत है कि फिर मैं ज्ञान का गेय नहीं बना सकता, क्या समझ में आया, क्यों मैं दुखी को जानूंगा तो मेरा ज्ञान तो नहीं होगा, दया आएगी तो दया तो दुख का नाम है, तो मैं दुखी होऊंगा। यानी मुझे को ऐसा होना चाहिए योग्यता प्राप्त है कि मैं सारे जगत को जानूं और मैं दुखी नहीं हूं, माने सारे दुखियों को जानूं और ये भी जानूं कि मेरे पूरा भव के माँ हैं, बाप हैं, भाई बहन हैं, बाल बच्चे हैं, इनमें सब हैं, वो भी जानूं एक एक को। दौड़ती फिरती थी वो कौन, सीता नरक में जा रही, यहाँ जा रही हूँ, तो भगवान कहाँ कहाँ भागेंगे फिर बोलो, उनके तो अनंत भव के उन्हें दिख रहे, माँ बाप भाई बहन सब ऐसे दुखी सुखी, तो उनमें तो ज्ञान के गेय ही बन के रह जाते ना, और उन्हें दया आ जाती तो कहते वे जो हैं वे तो गेय के गेय रूप निमित्त तो हैं, लेकिन वो हमारे दुख के निमित्त नहीं है, हमें तो वही देखते हैं। ये तो हमारी कमजोरी है ना कि हमें नहीं आना चाहिए वो दया। वो डॉक्टर कहता है ना हम ऑपरेशन करेंगे, तो एक महिला अपने बच्चे को लेके अस्पताल गई, तो उसकी बिस्कुटी समझते हैं, बिस्कुटी उंगली में ये नाखून पक जाता है, बहुत वेदना होती है, बहुत वेदना होती है, तो उसे बिस्कुटी बोलते हैं। तो डॉक्टर कहता है मैं चीरा लगा दूंगा ऐसे, उसका मलमल निकालूंगा और फिर पट्टी करूंगा, वही जो उनका तरीका है हर जगह का, तो इस नाखून जो पक जाता है उसका भी वही तरीका है। तो उसने ये कहा कि बहन देखो हम इसे बेहोश नहीं करते हैं, सिर्फ उंगली को वो कर देते हैं शून्य, और हम इसको करेंगे क्योंकि तो बेहोश करने से इसे तकलीफ होगी बेकार, और इसमें अपेक्षाकृत कम तकलीफ होगी, तो तुम इस उंगली को अच्छी तरह से पकड़ लो और हम इसे करेंगे, इसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, तुम चिंता नहीं करना, तो मेरे से नहीं देखा जाएगा। तो क्या करें डॉक्टर, क्या करेगा बोलो, तुम्हें देखा जाए तो पकड़ लो, तुम्हारे सामने मैं कर दूंगा, नहीं देखा जाएगा तो इस नर्स को दे दो इसे, जाओ तुम। ये तो जब मैं करूंगा ना वो चीरा लगाऊंगा तब रोएगा बच्चा, तब भी उस बच्चे को दुख नहीं होगा, लेकिन वो देखेगा अपनी उंगली को चीर रहे, उसे देख के रोएगा, समझ नहीं आपकी बात है, लेकिन तुम नहीं देख सकते ना, कि मैं तो नहीं देख सकती, बच्चा भी नहीं देख सकता, उसे तो देखना ही पड़ेगा, और तुम भी नहीं देख सकती तो तुम बाहर चले जाओ, तो वो नर्स के पास जाएगा तो अभी से रोएगा, अभी उंगली को चीर तो कोई रह ही नहीं रहा, जाएगा ना अभी से रोएगा, और नर्स मजबूती से पकड़ेगी, ज्यादा रोएगा तो दो चांटा मारेगी कि चुप रहे क्यों, कि मैं नहीं देख सकती तो बाहर निकलो, नहीं देख सकती माने तुम प्रेक्षा योग्य है, तुम प्रेक्षा योग्य नहीं रह सकती हो, और तुम्हें करुणा आएगी, वही समझ लो दया आएगी इस बच्चे के ऊपर, तो तुम जाओ बाहर। अब मैं दूसरी बात कहता हूं जो डॉक्टर नहीं जानता है, वो बताना कि तुम जाके बाहर बैठ जाओ तो तुम नहीं देखोगी, तुम जाके यहाँ गेट के पास दूर बैठो 100 मीटर, कि जिसमें बच्चे की रोने की आवाज नहीं पहुंचे वहां, तो तुम नहीं देख सकती, तुम अपनी कल्पना में अभी से देखोगी कि डॉक्टर चीर रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, अब समझ गए ना, तुम एक सेकंड भी उसे देखे बिना नहीं रह सकती, देखना तो पड़ेगा क्योंकि देखना आत्मा का स्वभाव है। तुम कहो तो तुम्हें पहले बेहोश कर दें, दो घंटे बोलो क्या करें, क्या होता है बोलो, समझ लो तुम्हें भी प्रेक्षा योग्य है, लेकिन तुम प्रेक्षक नहीं बनना चाहते हो, प्रेक्षक बनने में तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, समझ गए ना, तुम देखो अच्छी तरीके से,
लेकिन तुम तो अपने दुख का कारण उसके दुख को बनाते हो कि वो दुखी है इसलिए मैं दुखी हूं। तो ये मिथ्या तो नहीं है तो क्या है? ये बात मिथ्या माने गलत मान्यता है। ये कह रहे वो देखो, संपूर्ण विश्व को ज्ञान का गेय बनाना चाहिए, इसके बदले में उन्हें करुणा का कारण बनाता है। मुझे सारी दुनिया पे दया आती है, क्यों? अपनी वर्तमान योग्यता से करुणा आए वह अलग बात है, वो करुणा का हम निषेध नहीं कर रहे। तुम्हें वर्तमान की योग्यता से तुम्हें दया आ जाए तो वो मिथ्या तो नहीं है, वो क्या है? चारित्रमुख का दोष है। और उससे भी कोई मोक्ष नहीं होगा, उससे भी पुण्य का बंध होगा। और बहुत बढ़िया, पुण्य को बढ़िया कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बढ़िया से बढ़िया पुण्य का बंध होगा। समझ में आई नहीं अभी में? अब बढ़िया से तो नहीं कहूँ और वो भाव तुम समझ लो, ऐसा पुण्य का बंध हो। यदि अपनी अवस्था में करुणा पर के कारण आती हो, देखो दूसरे के कारण करुणा नहीं आती, तो दुखी जीव तो तीनों काल में रहेंगे। अब हमें दूसरे को दुखी देख देख के करुणा आएगी तो तीनों काल में जीव कितने ही मोक्ष चले जाएं, 6 महीना 8 समय में 608 ही जाएंगे ना, और बाकी अनंत जीव तो रहेंगे ना, तो सामने सारे दुखी जीव तुम्हें कब नहीं देखने में आएंगे, बोलो? जैसे तीनों काल में पुण्य का राग आता रहेगा और उनसे पुण्य का बंधन नहीं भी होता रहेगा, जिससे अबंध होने का कभी अवसर ही नहीं आएगा। हम पुण्य बांधते रहेंगे, दया करते रहेंगे, करते रहना तो क्या हो जाए? पाप नहीं बांधेंगे, क्रूरता करने वाले भी हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? पुण्य बनता रहेगा। छूटोगे तो नहीं ना। तो अपना ये धर्म की बात चल रही है, ये छूटने वाले धर्म की बात चल रही है, ये बंधने वाले धर्म की बात नहीं चल रही है। बोलो क्या करूं? हो गया समय तुम्हारे ख्याल से? बहुत ज्यादा हो गया, मैं पढ़ूंगा पूरा, कितने दिन लगे? लग जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें है मरम है कुछ। अच्छा, अपन को ना सही कोई नई बात सीखने में आती हो, लेकिन ख्याल तो आता है ना, विषय तो अंदर में घुसता है ना, जो असली चीज है वो ध्यान में आती है ना। देखो अब कल सुबह कितने बजे आना है? 8:30 बजे ये चलेगा, सुबह 8:30 बजे चलेगा कल से। कब तक? 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद कैसा चलेगा फिर बताएंगे।